संभल के जूनाबाई ब्लॉक पर नौजवानों ने आतंकवादियों का पुतला फूंका और कहा कि अगर सरकार हम नौजवानों को 24 घंटे दे तो हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा लड़ने को तैयार है और हमें खून का बदला खून चाहिए। और साथ ही नौजवानों ने कहा कि हिंदुस्तान जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा, अगर सरकार इस पर एक्शन नहीं लेगी तो हर देश का नागरिक अपनी जान हथेली पर रखकर चल देगा और जब सब मिलकर निकलेंगे तो यह एक विश्व का सबसे बड़ा युद्ध होगा और इस युद्ध में हमारी जीत होगी। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए अवधेश कुमार की रिपोर्ट, संभल। मानपुर कस्बा अंतर्गत आज शनिवार को कस्बे के व्यापारी व क्षेत्रीय नागरिकों के द्वारा कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ जवानों पर पाकिस्तानी आतंकवादियों के द्वारा किए गए आत्मघाती हमले में शहीद जवानों के प्रति 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई व पाकिस्तान का पुतला जलाया गया और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए तथा केंद्र सरकार से कश्मीर में आतंक को जड़ से खत्म करने की मांग की गई तथा उपस्थित लोगों में मानपुर मंडल के महासचिव अमर वाजपेयी ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को उनके घर में घुसकर उन्हें करारा जवाब दें। इस अवसर पर श्याम प्रकाश मौर्य, नीरज मिश्रा, मिंटू शुक्ला, मनीष जायसवाल, मोहम्मद सत्तार, मोहम्मद लतीफ, निसार शकील, शानू अवस्थी, सुभाष वाजपेयी, राजेश शुक्ला आदि संख्या में लोग मौजूद रहे। बस 2 मिनट में मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। मैं कहना चाहता हूं पाकिस्तान से, दरिंदे से, भीड़ियों से कि भारत भूमि यहां पे माओ ने भी बलिदान दिया है और हमारे राणा प्रताप और शिवाजी ने भी बलिदान दिया है। मैं कहना चाहता हूं आप सबका जोश देखकर कि खौलता हुआ रगों में राणा और शिवाजी वाला लहू का उफान कभी चुकने न पाएगा और पन्ना धाय हरा रानी काय बलिदानी देश कुर्बानी पे कलेजा दुखने न पाएगा। और ये आतंकवादी सुन ले, ये इमरान खान सुन ले, हाफिज सईद सुन ले कि खौलता हुआ रगों में राणा और शिवाजी वाला लहू का उफान कभी झुकने न पाएगा और पन्ना था हाड़ा रानी काय बलिदानी देश कुर्बानी पे कलेजा दुखने न पाएगा और 125 करोड़ देशवासियों के दिलों में लहरता ये झंडा तिरंगा कभी झुकने न पाएगा। और सयाद के पार से नहीं, जो अंदर बैठे दरिंदे हैं जिन्होंने वो गाड़ियां और वो जो RDX उपलब्ध कराया, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, अपनी गवर्नमेंट से, भारत सरकार से कहना चाहता हूँ कि बाहर से पहले अंदर का सफाया बहुत जरूरी है। मैं कहना चाहता हूँ कि धूर्त नीच पाखंडियों से कह दो मजहबी दलालों से, कह दो अपनी भारत माँ को डायन कहने वालों से कि माँ की गोद में अब कोई गद्दार नहीं रह पाएगा और वही रहेगा जिंदा आप जो वंदे मातरम का। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए विनोद सोनी की रिपोर्ट, सीतापुर।